हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट की कंटेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ बी एल एस स्टेप्स टू ए बी एल एस असेसमेंट हाउ इज सी पी आर इन्वॉल्व इन बी एल एस एंड कंक्लूजन तो so, सबसे पहले जानते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे हम बी एल एस भी कहते हैं वो होता गया है तो इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ एसेंशियल एमरजेंसी प्रोसीजर्स डिज़ाइन टू सस्टेन लाइफ इन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अरेस्ट रेस्पिरेटरी फेलियर अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो अगर कभी भी कोई इंडिविजुअल कोई अरेस्ट या कोई भी रेस्पिरेटरी फेलियर कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को फेस कर रहा होता है उस टाइम पे जो भी हम प्रोसीजर्स जो सेट ऑफ एसेंशियल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं ताकि हम उस इंडिविजुअल में लाइफ को सस्टेन करा सकें उसी को कहते हैं हम बी एल एस यानि बेसिक लाइफ सपोर्ट सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ए एच ए उन्होंने डिफाइन किया बेसिक लाइफ सपोर्ट को एज ए सेट ऑफ लाइफ सेविंग टेक्निक्स जो मन फोकस करती है ताकि हम पे, पेशेंट की सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग को मेनटेन कर सकें थ्रो सी पी आर अंटिल एडवांस मेडिकल असिस्टेंस जो भी नेसेसरी है वो अवेलेबल होती है फॉर दैट डेट टाइम बिंग जो भी हम सेट ऑफ एसेंशियल प्रोसीजर्स कहते हैं उसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बी एल एस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि ही वो टाइमली हमें इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है जो जिस भी कंडीशन सिचुएशन uh, से फेस uh, जिस भी सिचुएशन को फ़ेस कर रहा है तो अगर उसे हम टाइमली इंटरवेंशन देंगे जब तक अनटिल एडवांस मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट मिलती है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस तो जैसे हमने सीपीआर की बात की थी जब तक भी हम एडवांस जो भी हमें ज़रूरी है तब तक वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक जो भी हमारे वाइटर्स को मेंटेन करना वो बीएलएस करता है ब्रिज टू एडवांस मेडिकल केयर तो जब भी जैसे सपोज़ अगर किसी को कहीं घर पे या कहीं ऐसी जगह पर आए जहाँ से हॉस्पिटल दूर है तो वहाँ तक उस गैप को ब्रिज करता है बी एल एस इम्प्रूविंग सर्वाइवल रेट्स अगर हम टाइम पर किसी को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे दें ऐसी कंडीशन में तो जब तक हम उन्हें मेडिकल या हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तब तक वो उनके सर्वाइवल रेट्स मतलब उनके जीने की जो भी वो है उसको बढ़ाता है प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन इम्पॉविंग ले वेस्क्यूलर्स एडाप्टेबल टू वेवियस सिचुएशन बूस्टिंग कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयरनेस तो बेसिक लाइफ सपोर्ट्स आपके सर्वाइवल के रेट्स को बढ़ाता है आपके कॉम्प्लिकेशन को कम करता है वेवियस सिचुएशन में अडाप्टेबल है और आपके अंदर एक प्रिपेयरनेस भी होती है कि वी कैन और कॉन्फिडेंस भी आता है वरना ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग पैनिक हो जाते हैं अगर हम स्टेप्स की बात करें बी एल एस असेसमेंट की तो कैसे देनी चाहिए सबसे पहला अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में हो आपके आसपास कोई इंडिविजुअल या कोई पेशेंट है जो ऐसी किसी भी रेस्पिरेटरी फेलियर कार्डिक अरेस्ट को फेस कर रहा है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है और स्टेप वन है आपको हेल्प के लिए बुलाना है आप डॉक्टर्स को बुलाओ आस के लोगों को बुलाओ एम्बुलेंस को बुलाओ जिन्हें भी आप बुला सकते सेकेंड है आपको उनकी पल्स चेक करनी है कि पल्स उनकी क्या किस तरह से वो करेगी फिर चेक करना है उनके ब्रीथिंग सांस आ रही है या नहीं आ रही है कैसे उन्हें चेन एक्सलेशन कैसे हो गए फिर गिव रेस्क्यू ब्रीथिंग उन्हें एक रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है जिसे हम सी पी आर भी कहते हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं देन उन्हें एक चेस्ट कंप्रेशन देने हैं थर्टी uh, के उसके आस पास देखिए अब यहाँ पे स्टेप्स वाइज हमने जैसे बताया है, तो दो उनको रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है फिर थर्टी टू तो उनको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं जिसे डायग्राम में शो किया गया है रिपीट अंटिल द एमरजेंसी सर्विसेज टे कर और तब तक देते हैं ना जब तक आप या तो उन्हें कहीं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते या कोई एमरजेंसी सिचुएशन उनके पास जो मेडिकल हेल्प है वो नहीं पहुंच रही है सो so, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी आपको स्लाइड के थ्रू बताया तो जैसे कॉल फॉर हेल्प तो फर्स्ट स्टेप जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट में वो क्विकली असेसिंग द सिचुएशन और डिटरमाइन करना कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन है देन पल्स एंड ब्रीथिंग को चेक करना पेशेंट की ब्रीथिंग सर्कुलेशन कोई साइन है उसकी ब्रीथिंग या पल्स में और अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा या पल्स नहीं आई तो हमें सी पी आर स्टार्ट करना चाहिए इमीडिएटली देन रेस्क्यू ब्रीथिंग प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल ब्रीथ जो हमने सी पी आर की टेक्निक बताई उसी से ये और प्रॉपर टेक् उसको ऑक्सीजन जो है उसके लंग्स तक पहुँच जाए परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन तो चेस्ट कंप्रेशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है सी पी आर का क्योंकि ये हेल्प करता है आपके ब्लड को सर्कुलेट करने में बाकी वाइटल ऑर्गन्स तक तो जब हम चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं तो जो भी पेशेंट है अगर वो अपनी बैक उसको पहले हमें बैक बैक से लेटाना ले होता है एक फर्म सरफेस पे उस दोनों हाथ उसके चेस्ट पे रखने होते हैं और दो इंचज तक ऐसे प्रेस करना होता है और कम से कम वन हंड्रेड बट वन ट्वेंटी टू कंप्रेशन पर मिनट देन अर्ली डिफ्यूबलेशन तो अगर एई अवेलेबल है तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए एई जो है वो यूजर फ्रेंडली होती है एक वॉइस प्रॉम्प्ट एंड यूजल क्यूज़ देते हैं आपको परफॉर्मेंस के लिए अब कैसे आपको करना चाहिए तो एई की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए केयरफुली ताकि सक्सेसफुल आउटकम आए अब हमने जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम स्टेप्स पढ़ेंगे फिर ये जानेंगे कि सी पी में इन्वॉल्व होता है या नहीं तो सी एक क्रिटिकल पार्ट है बी लाइफ बी का जिसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं और वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है बस उसे एक प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए परफॉर्म सी पी आर इमीजिएटली इफ द पर्सन इज़ अनरिस्पॉन्सिव नॉट ब्रीथिंग आई हैज़ नो पल्स और अगर कभी कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपके आस पास कोई अनरिस्पॉन्सिव है उसको ब्रीथ नहीं हो रहा है तो आपको सी पी आर दे देना चाहिए विथ प्रॉपर टेक्निक सी पी आर मेंटेन करता है वाइटल ब्लड फ्लो टू द हार्ट ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स अंटर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स तो आपको रिस्पॉन्सिनेस चेक करनी चाहिए हेल्प के लिए बुलाना चाहिए थोड़ा आसपास हवा वगैरह करनी चाहिए ब्रीथिंग चेक करनी चाहिए अगर पर्सन ब्रीथ नहीं कर रहा तो सी स्टार्ट करना चाहिए उस पर्सन की चेस्ट पर सेंटर ऑफ द चेस्ट पे अपने हाथ रख के कंप्रेशन देना चाहिए कंप्रेशन हमेशा एट द रेट ऑफ हंड्रेड टू वन ट्वेंटी पर मिनट देना चाहिए ताकि जो आपकी चेस्ट है वो फुल्ली रिकॉयल हो सके बिटवीन कंप्रेशन और अगर आप सी में ट्रेंड हैं तो रेस्क्यू भी देनी चाहिए कंटिन्यू करना चाहिए सीपीआर जब तक या तो पर्सन बीत करना स्टार्ट ना कर सके या फिर एमरजेंसी हेल्प अराइव ना हो जाए सो so, बात करते हैं कॉन्क्लूजन की तो एमरजेंसी सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है क्योंकि दैट विल द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ तो फर्स्ट एड एमरजेंसी ट्रेनिंग सर्विसेज एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इक्विपिंग इंडिविजुअल विद बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स इंपॉवरिंग दैम टू एक्ट कॉन्फिडेंश कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग क्रिटिकल मोमेंट्स तो मोस्टली ऐसे सिचुएशन में लोग पैनिक हो जाते हैं पैनिक नहीं होना चाहिए आपको वो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सिचुएशनों में आपको क्या करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपका एक स्टेप आपका एक बेसिक लाइफ सपोर्ट किसी की डेथ और लाइफ uh, में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है तो हमेशा हमें फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी ट्रेनिंग सर्विसेज जो है उससे इक्विप होना चाहिए ताकि हम कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर सकें किसी भी क्रिटिकल मोमेंट पे थैंक यू फॉर लिसनिंग होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने आसपास लोगों के साथ इन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी चीज़ों के साथ इक्विप रहें ये पी पी टी आप सेमिनार पी पी टी डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है थैंक यू